हम क्या कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर, है ना। फर्स्ट चैप्टर में हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है, हम पूर्णांकों पर संक्रियाएं पढ़ रहे थे। हम गुणा पढ़ चुके हैं, पूर्णांकों की गुणा पढ़ चुके हैं। बताओ आती है गुणा करना। यस मैम। जैसे अगर मैं कहूं कि आपने -3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा? सभी बच्चे चार्ट में लिखते जाएंगे, सभी में चार्ट, सभी के चार्ट में आंसर आने चाहिए। वेरी गुड सुमित, वेरी गुड रवि, वेरी गुड दीपिका। -6 आएगा। अगर इसी को मैं -3 × -3 कर दूं तो सभी बच्चे चार्ट में लिखते जाएंगे, -3 × -3 9 हो जाएगा, 6 नहीं होगा बेटा। -3 को -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -को -1 से मल्टीप्लाई किया। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या देखा था कि हम जब माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो हमारे पास माइनस का, जो हमारे पास फाइनल आंसर आता है वो माइनस का आता है। इसी तरह अगर हम प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो भी हमारे पास फाइनल आंसर माइनस का आता है। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जब हमारे पास अलग अलग चिन्ह है तो माइनस का आता है फाइनल आंसर, लेकिन अगर हमारे पास एक से चिन्ह है, जैसे हम माइनस को माइनस से गुणा कर रहे हैं तो प्लस आएगा। अगर प्लस को प्लस के पूर्णांक, प्लस वाले पूर्णांक को हम प्लस वाले पूर्णांक से गुणा कर रहे हैं तो भी हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो प्लस का आएगा। यहाँ तक सभी ने आंसर ठीक लिखे थे। अब जोड़ के केस में बताओ, अगर हम दो नेगेटिव नेगेटिव वाली संख्याओं को जोड़ रहे हैं, ठीक है, और दो पॉजिटिव, अगर चिन्ह समान है जोड़ के, तो क्या होगा, जोड़ होगा घटाव होगा। उन संख्याओं को जोड़ेंगे या घटाएंगे? आप प्लस या माइनस लिख सकते हो, अगर आपको पूरा टाइप नहीं करना, आप अनम्यूट भी कर सकते हो। हम जोड़ते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं अगर दोनों के चिन्ह समान है तो जोड़ दो, अगर दोनों के चिन्ह जो हैं वो अलग अलग हैं तो क्या कर दो, उन्हें उन्हें घटा दो, है ना। अगर दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो उन दोनों संख्याओं को घटा दो। और इसके बाद भी एक और स्टेप बचता है, वो स्टेप क्या है, इसके बाद मैं एग्जाम्पल से भी बताऊंगी। पहले मुझे बताओ, हमें पहले तो हम ये देखते हैं दोनों के चिन्ह समान है तो हम जोड़ देंगे, दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो हम घटा देंगे। जैसे माइनस माइनस हुआ तो हम प्लस करेंगे, प्लस प्लस हुआ तो हम प्लस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना हो तो चिन्ह कैसे डिसाइड करते हैं, तो जो भी संख्या बड़ी होती है उसके साथ जो चिन्ह होता है वही फाइनल आंसर के साथ लगता है। ध्यान देने की बात यह है, ये सिर्फ जोड़ और घटाव में होगा, बड़ी संख्या का साइन गुणा में नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने देखा -3 और 2, 3 और 2 में -3 बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं देखना आपको, सीधे 3 और 2 को आपस में गुणा कर देना है, फिर +(-) कर देना है। अब इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं, -3 - 2 कितना आएगा, -3 - 2 दोनों के चिन्ह समान है, क्या होगा, जोड़ घटाव। हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझा था, वेरी गुड। तो मुझे बताओ फाइनल आंसर क्या आएगा, बेटा माइक बंद करो अपना। अच्छा फाइनल आंसर बता दो मुझे बस, क्या आएगा, +5 आ जाएगा ना, 5 आ जाएगा, सभी ठीक लिख रहे हैं, 5 आ जाएगा, 5 यस मैम। यस आ जाएगा, है ना पायल, मैम। सुमित, यस दीपिका, मैम। 5 आ जाएगा। यस मैम। अभी अभी मैंने क्या चीज बोली थी कि पहले तो ये देखना है दोनों के चिन्ह अगर समान है तो जोड़ या घटाव होगा, पहले वो डिसाइड करो। वेरी गुड सुमित और रवि। उसके बाद एक और स्टेप बताया है ना पायल, अभी क्या बोला मैंने, जो संख्या बड़ी है उसके साथ चिन्ह देखो, तो 3 बड़ा है या 2 बड़ा है, 3 मैम। 3 बड़ा है। 3 के साथ कौन सा निशान है, माइनस तो 5 के साथ भी कौन सा निशान आएगा, तो माइनस मैम आंसर क्या आएगा, -5। याद आया, अभी करा था ना हमने पिछली क्लास में सब कुछ। चलो अब मुझे इसका आंसर बताओ, हमने पिछली क्लास में कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी किए थे, चार्ट में लिखेंगे सभी बच्चे,
तभी बच्चे चार्ट में लिखेंगे माइनस। चार्ट में बेटा पहला। अब इस वाले केस में पहला स्टेप क्या होगा? दीपिका आप बताओगे? यस मैम। चलो बताओ पहला स्टेप क्या होगा। हमें पहले इस ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा है ना, और हम उसके लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं पिछली क्लास में, हाँ इसको क्या लिखेंगे अभी इसको सॉल्व याद करो। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, आंसर बिल्कुल सब ठीक लिख रहे हैं, बट मुझे वो चीज तो बताओ था, मैं पूछ रही हूँ बेटा है ना। जब हमारे पास दो चिन्ह आते हैं, दोनों के बीच में कोई भी संख्या नहीं होती है, दोनों के बीच में जब कोई भी संख्या नहीं होती है, हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मुझे बताओ माइनस प्लस क्या होता है? माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करो। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक पायल और सुमित, आप दोनों ने ठीक लिखा। माइनस तीन प्लस माइनस पांच, तो अब हमें पता ही है माइनस तीन माइनस दो कितना हुआ, माइनस पांच हुआ। तो हमने इस तरह के क्वेश्चन भी किए थे, एक बार रिवाइज कर रहे हैं बस हम। समझ में आ गया सबको? याद आ रहा है पिछली क्लास में पढ़ा था ना? जल्दी से बताओ यस लिखो अगर याद आ रहा है तो। वेरी गुड, एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं थोड़ा सा इसी टाइप का। माइनस तीन माइनस माइनस दो, अब सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे, मैं स्टेप्स बताऊंगी, आंसर आप खुद निकालोगे। सबसे पहले जब हमें पता है ब्रैकेट लगा हुआ है, दो निशान है माइनस और माइनस, उन दोनों के बीच में कोई भी संख्या नहीं है, उन दोनों को आपस में गुणा कर दो। तो पहले आप माइनस और माइनस को गुणा करके एक चिन्ह में ले आओगे। अब यहाँ पर दो चिन्ह है तो आप उसको छोटा कर लोगे और उसको किसी एक चिन्ह में लिखोगे, ठीक है? उसको एक चिन्ह में लिख लिया, आपके पास एक सिंपल सी चीज बन जाएगी। अब आपको देखना है कि आपको जोड़ करना है या घटाव करना है। जोड़ या घटाव का डिसाइड कर लिया, जोड़ करना है तो जोड़ करो, घटाव करना है तो घटाव करो। सबसे तीसरा स्टेप क्या है, जो बड़ी संख्या है उसके साथ जो चिन्ह है उसे लगा दो। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक जवाब आ रहा है सबका। तो माइनस तीन माइनस और माइनस, माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, हमने इसको और छोटा कर लिया, माइनस गुणा माइनस प्लस, तो अब आपके पास क्या हो गया, प्लस दो। अब हमें पता है माइनस प्लस, जब हमारे पास दोनों के चिन्ह अलग अलग हो, हमने अभी अभी देखा हम घटाव करते हैं, तो आप तीन और दो को आपस में घटाओगे, तीन में से दो जाता है तो एक बचता है। लेकिन अच्छा यहाँ पे भी एक चीज सोचने वाली है, ठीक है? आपको चिन्ह कहाँ से देखना है, पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है। मुझे बताओ पहले वाले स्टेप में चिन्ह देखोगे या दूसरे वाले स्टेप में चिन्ह देखोगे? जो हम चिन्ह देखने वाला करते हैं ना, कि कौन सी जो बड़ी संख्या उसका चिन्ह, पहले स्टेप में देखोगे या दूसरे में लिखोगे? वेरी गुड, ये सभी बच्चों को क्लियर है। यस, हमेशा जब आप बिल्कुल सिंपल कर दोगे उसे, बिल्कुल सॉल्व कर दोगे, छोटा जब आप ब्रैकेट सॉल्व कर दोगे उसके बाद देखोगे दो बड़ा है तीन बड़ा, तीन बड़ा है तीन के साथ माइनस है तो माइनस लगा दो। सभी ने बिल्कुल ठीक किया है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो रिवाइज हो गया सबका, सबका रिवाइज हो गया है? यस मैम। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब हमने पिछली क्लास में मल्टीप्लिकेशन का पढ़ा था, ठीक है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे दूं, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे, ठीक है? तो सभी बच्चों ने पोल में आंसर करना है। चैट बॉक्स में इतनी देर के लिए बंद कर रही हूँ, बट मुझे एक एक बच्चे का आंसर पोल में चाहिए और बिल्कुल करेक्ट चाहिए। पहले आप अपनी नोटबुक पे सॉल्व करो, उसके बाद ऑप्शन मैच करो, उसके बाद ही पोल में सही उत्तर चुनना है। जो बच्चा आंसर कर देगा वो नीचे हैंड रेज का ऑप्शन है ना, वो दबा देना, ठीक है? तो मुझे पता चल जाएगा किसने सबमिट कर दिया है आंसर। तो क्वेश्चन क्या है, आपको माइनस 54 को 28 से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, ठीक है? वेरी गुड सुमित, वेरी गुड सुमित, वेरी गुड। कोई बात नहीं, आराम से टाइम लेंगे, उसके बाद सभी बच्चे करेंगे।
जो बच्चे आज नए जुड़े हैं, मुझे कुछ एक बच्चे नए नजर आ रहे हैं, आप सभी को पता है, बेटा दिनेश आपकी भी शायद नई क्लास है, सभी बच्चों को पता है ना पोल में कैसे आंसर करते हैं। दीपिका आपने अपडेट करके देखा बेटा फोन गूगल मीट? यस मैम। हो गया? आ रहा है पोल का ऑप्शन? नो मैम अभी भी नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, फिर मैं आपसे अनम्यूट करा के पूछ लूंगी, ठीक है? जब आप कर लो आप भी अपना हैंड रेज कर देना। ओके ज्योति, हाँ बाकी सबके पास देखो पोल का ऑप्शन आ रहा है ना, सबको पता है ना पोल में कैसे आंसर करते हैं। अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको नहीं पता पोल में कैसे आंसर करना है, पूछ लो, अनम्यूट करके पूछ लो, अपना माइक ओपन करके पूछ लो। बट जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है मुझे सबका आंसर चाहिए। अभी तक 5 बच्चों ने आंसर किया है, मैं एक बार सबके नाम लेती हूँ यहाँ पर। हाँ जी बेटा, दिनेश आपने कर दिया। दिनेश गुरदीप की आईडी से कौन है, और जगदीश की आईडी से कौन है बेटा, और जेपी की आईडी से, बाकी ज्योति, पायल, दीपिका तो चलो अनम्यूट करके बताएगी, रवि, सुमित और मुस्कान आपने कर लिए? यस मैम। सभी ने कर लिया? यस मैम। ओके ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर देखूं, सभी बच्चों को गुणा करनी आती है ना, गुणा करनी हमने सीखी है ना? यस मैम। बट अगर आप देखोगे दो बच्चों ने गलत किया है, उन्हें ये सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कौन से दो ऑप्शन है जो हो ही नहीं सकते इसका आंसर बिना गुणा किए। बीडी। बिना गुणा किए बताओ कि कौन से ऐसे दो ऑप्शन आपको यहाँ नजर आ रहे हैं जो इसका आंसर तो हो ही नहीं सकते, बाकी दो आप गुणा करके चेक करोगे। हाँ बताओ सुमित, बी और डी। वेरी गुड। क्यों, ऐसा क्यों है? बी और डी इसके ऑप्शन करेक्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम पता है जब भी हम माइनस की संख्या को प्लस की संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा जो हमें आंसर मिलता है वो एक माइनस की संख्या होती है, हमने पढ़ा था ना ये। तो आप बाकी दो ऑप्शन तो सबसे पहले कट कर दो। अब बचे दो क्वेश्चन, दो बाकी दो बचे, उन दो में आपको डिसाइड करना है कौन सा वाला ठीक होगा, है ना, कौन सा वाला ठीक होगा। उसके लिए आपको आनी चाहिए गुणा, जो गुणा हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले 8 चौके 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे, 8 चौके 32, हासिल को 3, 8 पंजे 40, 40 और 3 43। यहाँ तक मैंने सही किया? यहाँ तक मैंने सही किया? सभी बच्चों का यहाँ तक सेम आया था? एक बार लिखना गुणा करके क्या आया था इन दोनों को गुणा करके क्या आया था। फिर पोल में मैम सी ऑप्शन, 4 × 8 × 5 × 10 ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस या 0 लिख लो, 4 × 8 × 5 × 10। अब इन दोनों को जोड़ दो, 4 8 9 10 11। तो मुझे लगता है किसी ने जोड़ में गलती करी है ना। अच्छा बताओ, सच सच बताओ, किन दो बच्चों का गलत हुआ है? किन दो बच्चों का गलत हुआ है? चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया सबको ये क्वेश्चन। अब हमें पता है प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, तो ये जो फाइनल आंसर है इसके साथ माइनस का चिन्ह लगेगा और ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। सभी बच्चों को एक चीज का बहुत ध्यान देना है सबको, ये आगे जाके आप गड़बड़ कर सकते हो, गुणा करते हुए कभी भी आप बड़ी संख्या का, अच्छा ये तो क्वेश्चन ऐसा था, अगर मैं इसको -54 × 28 था, अगर मैं इसको -54 × -28 कर दूं फिर क्या आंसर आएगा, फिर क्या आंसर आएगा बेटा? प्लस में आएगा। वेरी गुड सुमित, सिर्फ सुमित ने सबसे पहले आंसर किया है, सभी लिखो, सुमित दीपिका ये लोग आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड दिनेश, वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड पायल, बाकी बच्चे ज्योति, और जो 2-3 बच्चे नए जुड़े हैं क्लास में वो क्या कर रहे हैं, आप लोगों के तो मुझे चैट में भी आंसर नहीं पता चल रहे हैं। गुरदीप सिंह की आईडी से कौन है बेटा, और जगदीश कुमार की आईडी से, जेपी तिवारी की आईडी से,
सभी बच्चे लिखेंगे क्लास में, जितने भी बच्चे प्रेजेंट है सबका मुझे पोल में भी आंसर चाहिए, चैट बॉक्स में भी रिस्पॉन्स चाहिए। वेरी गुड, प्लस में आंसर आएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस। कभी भी ये गड़बड़ नहीं करनी कि आप बड़ी संख्या का चिन्ह देखो और चिन्ह लगा दो, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हमने पूर्णांकों का योग पढ़ लिया था। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा एक नोट देख लेते हैं। अगर दोनों पूर्णांकों का चिन्ह समान है तो हमें पता है योग होगा, अगर दोनों प्लस प्लस के हैं या दोनों माइनस माइनस के तो उन दोनों का क्या होगा, योग होगा। और दोनों चिन्हों का पूर्णांकों का समान चिन्ह दोनों पूर्णांकों का समान होगा। देखो अगर आप माइनस तीन माइनस दो करते हो, इसमें अगर आप ना भी देखो बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, चाहे बड़ी संख्या का चिन्ह देखो चाहे छोटी संख्या का चिन्ह देखो, दोनों के साथ माइनस है ना, तो इसमें अगर आप नहीं भी देखो, इसमें आप इतना देखोगे कि दोनों माइनस के, तो फाइनल आंसर भी माइनस का लगेगा। बट अगर आप दोनों का एक नोट बना लो कि हाँ ठीक है, जो भी बड़ी संख्या होगी उसके साथ जो चिन्ह होगा वही चिन्ह लगेगा, तो भी आपको आसानी रहेगी, ठीक है। अगर दोनों पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग हैं तो हम घटाव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम माइनस तीन प्लस टू कर रहे हैं या हम प्लस टू माइनस थ्री कर रहे हैं, तो भी क्या करते हैं, हम घटाव करते हैं। और इस केस में क्या होगा, चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान होगा। उदाहरण के लिए अगर आप माइनस तीन प्लस दो करते हो तो आपके पास माइनस एक आएगा, इन दोनों को घटाओगे, तीन माइनस दो करोगे और अच्छा ये चीज भी सेम ही है, इसको हम क्या कर देते हैं, तीन माइनस दो करते हैं, तीन माइनस दो करोगे तो एक आएगा, तीन के साथ तीन बड़ा है, तीन के साथ प्लस का है तो आप यहाँ पर भी प्लस लगाओगे। मुझे ये बताओ यहाँ तक सब किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई कुछ बोल रहा है क्या बेटा, किसी का माइक ओपन है हाँ, किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक, जल्दी से अगर समझ में आ गया है तो वाई लिख दो, समझ में आया है, वाई का मतलब है कि समझ आया, ठीक है। कोई भी डाउट अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बोलो समझ नहीं आया, सबको समझ आ गया, वेरी गुड। तो क्वेश्चन भी इसी तरह अच्छे से तरीके से करना है। अब थोड़ा सा क्या देख लेते हैं, एक बार ये भी रिवाइज कर लेते हैं कि अगर दो चिन्हों प्लस या माइनस के बीच कोई भी संख्या नहीं है, उन दोनों के बीच में गुना हो जाती है। हम ऐसे क्वेश्चन कर भी चुके हैं बट हम अच्छे से सारे रिवाइज कर लेते हैं, तो मुझे बताओ इसका आंसर कितना आएगा, इसका फाइनल आंसर बताओ कितना आएगा सभी बच्चे। माइनस सौ माइनस माइनस एक सौ तीस बेटा, सत्तर तो ठीक है, सुमित का माइनस सत्तर है, बाकी बाकी भी लिखेंगे माइनस सत्तर। बेटा दिनेश आप क्या कर रहे हो, आप उसका सुमित का आंसर देख रहे हो, सुमित ने माइनस सत्तर लिखा तो आप भी माइनस सत्तर लिखोगे, खुद से ट्राई करना है, दूसरों के आंसर कॉपी नहीं करने हैं। वेरी गुड रवि, ऐसे करने हैं, आप कभी भी दूसरों का आंसर मत देखो चैट बॉक्स में, फिर आपको कैसे पता चलेगा आपको समझ में आया, आप गलत पे लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में नहीं आया और वो चीज मैं दोबारा से समझाऊंगी, है ना, तो इसलिए खुद से ट्राई करने हैं, ठीक है। मुस्कान, हाँ मुस्कान, निशा, सभी का ठीक है। सो माइनस सौ, इस माइनस को इस माइनस के साथ आप गुणा करोगे। हमने क्या पढ़ा कि जब भी दो चिन्हों के बीच कोई संख्या नहीं होती वो आपस में गुणा हो जाते हैं, इन दोनों को गुणा कर दोगे तो ये प्लस में बदल जाएगा। और हमें पता है जब दोनों के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम यहाँ पर घटाव करेंगे, दोनों को घटाया तीस आया, यहाँ पे अब बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा, बड़ी संख्या 130 और 100 में से 30 है तो 30 के साथ प्लस है तो हम यहाँ पर भी प्लस लगाएंगे। आपको समझ में नहीं आया बेटा, आज आपकी पहली क्लास है, गुरदीप सिंह की आईडी से कौन है, आपकी आज पहली क्लास है बेटा, यस नो लिखो,
अच्छा मुझे थोड़ा सा बताओ कि आपको कौन से वाले स्टेप से या कहां से समझ में नहीं आया आपको चिन्हों की? अब आ गया समझ में प्रीति? ठीक है मुझे बता देना, अगर आपको समझ में नहीं आया तो बोल दिया करो कि मैम इस स्टेप के बाद समझ में नहीं आया। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस 100 प्लस 130 हो गया। और ये चीज देखो, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया दोनों का चिन्ह अलग अलग है। जब भी दोनों का चिन्ह अलग होता है, या तो एक माइनस का या एक प्लस का, ठीक है, तो हम हमेशा घटाव करते हैं। अगर दोनों का माइनस माइनस होता तब हम प्लस करते और हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। तो इसको सॉल्व करके प्लस 30 आएगा। वेरी गुड। चलो अब 37 माइनस 17 करो कितना होगा। 37 माइनस 17 करो, दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाव कर रहे हैं हम। सिंपल सा क्वेश्चन है, 20 आएगा बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम करते हैं। 37 में से 17 घटा दो, हमारे पास 20 आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा 100 माइनस 130 क्या होगा? 100 माइनस 130 सबको लगा 37 माइनस 17 जैसा सिंपल सा क्वेश्चन था, वैसे ही 100 माइनस 130 भी होगा। वेरी गुड मुस्कान। हाँ अब सबने ठीक लिखना स्टार्ट किया है। वेरी गुड। हाँ प्रीति आपको समझ में आया माइनस 30 कैसे लिख रहे हैं सब? प्रीति ठीक है। वेरी गुड। अब यहाँ पे आप देख रहे हो एक प्लस का है एक माइनस का है। जहां हमें पता है ना जहां पर प्लस लो होता है हम लिखते नहीं है, यहाँ पर भी क्या था एक प्लस का था एक माइनस का था। तो आपको पता है जब एक संख्या प्लस की हो दूसरी संख्या माइनस की हो तो हम घटाव करते हैं। हम घटाव करते हैं, 37 में से 17 को घटा दिया 20 आ गया। अब 37 बड़ी संख्या है, प्लस है इसके साथ, तो इसके साथ भी प्लस आएगा। और यहाँ पे भी सेम चीज होगी, एक संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, आप दोनों को माइनस कर दो। अब 100 माइनस 130 नहीं, आप 130 माइनस 100 कर दोगे तो 30 आ जाएगा। लेकिन अब डिसाइड आपको क्या करना है कि 100 बड़ा है या 130 बड़ा है। 130 बड़ा है बिल्कुल ठीक, तो हम जो 130 के साथ चिन्ह है वही वाला चिन्ह लगाएंगे। आप समझ में आ गया ना सबको? ये गड़बड़ दोबारा तो नहीं होगी, सभी को क्लियर यहाँ तक? वेरी गुड वेरी गुड। यस सभी खुद से ट्राई करेंगे सारे क्वेश्चन। चलो अब हम करते हैं इसकी बात, हम इस टाइप के क्वेश्चन भी कर चुके हैं। दोनों यहाँ पे ऋणात्मक है, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है, इनको घटा रहे हैं। किस तरह से घटाएंगे जल्दी से करो इसे। आप क्या करोगे, माइनस 37 और ये जो दोनों माइनस हैं, इन दोनों माइनस के बीच में कोई भी संख्या नहीं है तो आप इन दोनों को गुणा करोगे। हम जानते हैं कि माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, तो आप इसको छोटा कर लोगे तो ये प्लस हो जाएगा और प्लस 17। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको जोड़ करना है घटाव करना है। ओके दिनेश, निशा आप हो क्लास में? निशा आप अनम्यूट करोगे बेटा? यस मैम। हाँ निशा आप मुझे बताओ, ये आपने ऐसे किया यहाँ तक कर लिया? यस मैम। माइनस 37 प्लस 17 ही आ रहा था आपका? यस मैम। ओके अब मुझे बताओ, एक संख्या माइनस की है एक प्लस की है, तो इनको जोड़ना चाहिए या घटाना चाहिए? घटाना चाहिए। बिल्कुल ठीक, एक संख्या माइनस की है एक प्लस की है, तो हम इस केस में जब दोनों के चिन्ह अलग अलग हो तो हम घटाव करते हैं। ठीक है तो इन दोनों को घटा दो, 37 और 17 को घटा दिया कितना आया? माइनस 20। पहले 20 लिख लिया उसके बाद देखो 37 बड़ा है या 17 बड़ा है। 37 बड़ा है, 37 के साथ माइनस है, तो 20 के साथ भी माइनस लगा दो। समझ में आया सबको? जो बच्चे 20 लिख रहे थे। अच्छा मुझे बताओ कि 37 प्लस
माइनस 17, इसका आंसर कितना आएगा? 37 प्लस माइनस 17, इसका आंसर कितना आएगा? 20 लिख रहे हैं, कुछ 20 लिख रहे हैं। सुमित, सुमित आप अनम्यूट करोगे? यस मैम। यस सुमित, आप मुझे बताओ कि 20 को अगला स्टेप में क्या लिखूं? क्या 37 प्लस माइनस 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 37 माइनस 17 कितना होता है? 20। लगा पता कहाँ गड़बड़ हुई थी? यस, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने प्लस माइनस माइनस करना है, 20, 37 बड़ा है उसके साथ प्लस है, तो फाइनल आंसर भी प्लस का आ जाएगा। सिंपल सी बात, बहुत ध्यान से करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है? ठीक है बच्चों, और कोई भी बच्चा मेरी क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको पूर्णांकों का जोड़ घटाव नहीं आता हो। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है तो भी पूछ लो, ठीक है? चलो अब इसको सॉल्व करो, ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया था, माइनस 20 आया था पहले वाले का, अब ये करो, माइनस 100 माइनस माइनस 130। अब सभी का आंसर मुझे सही सही चाहिए। आराम से 10 सेकंड का टाइम लो, कोई भी नोटबुक और पेन के बिना सॉल्व करके आंसर नहीं लिखेगा। जब भी आप नोटबुक और पेन के बिना सॉल्व करके लिखते हो तो आपका आंसर गलत आता है। चलो जी ठीक है, रवि आप अपने आप को अनम्यूट करो। यस मैम। रवि कैसे होगा ये क्वेश्चन? माइनस 100, ठीक है, अब क्या करूं मैं? माइनस लगाऊं प्लस लगाऊं? माइनस इनटू माइनस प्लस, हाँ अब सबके ठीक आने स्टार्ट हुए हैं। माइनस माइनस प्लस 130, और हमें पता है कि दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो हम घटाव करेंगे। प्लस माइनस माइनस होता है तो हम घटाव करेंगे, दोनों को घटाओ, 130 में से 100 गए 30 बचे, लेकिन 130 बड़ा है तो हेलो, एक मिनट बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? बताना। यस मैम। यस मैम। एक मिनट देना मुझे, मैं दोबारा से अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। मुझे बताओ यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अभी मैं चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन लिखूंगी, आप लोगों ने उसे सॉल्व करना है, ठीक है? इतने में अपनी स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट करूं। आपको माइनस 120 प्लस माइनस 160 ये सॉल्व करना है, मैंने चैट बॉक्स में भी लिख दिया, माइनस 120 प्लस माइनस 160। सभी बच्चे सॉल्व करके चैट बॉक्स में आंसर लिखते रहेंगे। आराम से टाइम लेकर सॉल्व करेंगे सब, कोई जल्दी नहीं है, नोटबुक पर सॉल्व करो। ओके रवि, रवि नोटबुक पर सॉल्व किया आपने, ठीक है। रवि ने अगर माइनस 40 लिखा तो सब माइनस 40 लिख देंगे। ओके निशा, 280। ठीक है, मुझे सभी के आंसर चाहिए। दिनेश का माइनस 40 आया है, ठीक है।
एक बार मुझे एक चीज बताओ, पहले आप ब्रैकेट खोलोगे तो क्या बना आपके पास? चलो निशा आप अनम्यूट करोगे बेटा? यस मैम। हाँ निशा आपने कैसे किया बताना जरा। मैम जी पहले माइनस था एक, मैम जी पहले माइनस था और फिर प्लस और फिर जो माइनस 160 था तो माइनस और प्लस माइनस हो गया और फिर माइनस और माइनस प्लस हो गया। आपने मेरा क्वेश्चन ध्यान से देखा था? यस मैम। ओके अभी मेरी स्क्रीन आ गई ना नजर? यस मैम। यस मैम ये था ना क्वेश्चन, एक बार सब चेक कर लो, यही था ना माइनस 120 प्लस माइनस 160 यही था बताओ, है ना? चलो अब सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, ब्रैकेट खोलने हैं, ठीक है? सबसे पहले स्टेप ब्रैकेट खोलने हैं, ठीक है? हम जब भी कोई संख्या नहीं होती ये सभी बिल्कुल ठीक कर रहे हो। तो प्लस माइनस कितना होता है? प्लस गुणा माइनस, क्योंकि प्लस गुणा माइनस माइनस होता है। यहां तक सबका सेम आया? यहां तक किस किस का ठीक आया? फिर जिन बच्चों का 40 आया वो कैसे आया? हाँ जी सुमित रवि, कहां पर गड़बड़ हुई थी? इसको प्लस लिख दिया था, अब बताओ अभी भी मैं एक चांस दे रही हूं फाइनल आंसर क्या होगा? करा नहीं, क्यों नहीं किया? ये तो गलत बात है। अब फाइनल आंसर बताओ, माइनस 120 माइनस 160 हाँ जी बच्चों दोबारा से आंसर लिखो, अब कितना आना चाहिए? हाँ जी दिनेश आप अपने आप को अनम्यूट करोगे? प्रीति चलो कोई बात नहीं, यस अब बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं सब बच्चे। अब हमें देखना है कि दोनों के चिन्ह समान है, तो हमें पता है जब दोनों के चिन्ह समान होते हैं तो हम क्या करते हैं? जोड़ करते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं तब हम क्या करते हैं? जोड़ करते हैं, माइनस माइनस प्लस। 120 में 160 को जोड़ दो, 280 आएगा। सबने यहां तक बिल्कुल ठीक किया था, बट गड़बड़ कहां कर दी? माइनस का निशान नहीं लगाया। आप देखो ना 160 के साथ माइनस, 160 बड़ा है, 120 160 के साथ माइनस है, तो माइनस का निशान आना चाहिए। अब गड़बड़ हो गई है, अभी मैं एक और क्वेश्चन दे दूं? Okay, मैम। जब तक मैं पूरी क्लास के क्वेश्चन बिल्कुल ठीक नहीं मिलते मैं क्वेश्चन कराती रहूंगी, समझे बात को? तो सभी ने ध्यान देना है कि बिल्कुल ठीक ठीक आंसर करो। चलो अब इसको एक बार सॉल्व करो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 37 माइनस माइनस 17 ये तो मुझे लगता है कि सभी बच्चे बिल्कुल ठीक कर लेंगे। ऐसा करते हैं अभी कोई चार्ट में नहीं लिखेगा, जो करता रहेगा वो अपना हैंड रेज कर देगा, फिर जब मैं बोलूंगी तो सब एकदम से चार्ट में लिखना, ठीक है? अभी सब हैंड रेज कर देना, जब कर लोगे अपनी अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लोगे तो हैंड रेज कर देना। ओके सुमित ने कर लिया है, मुस्कान ने कर लिया है, निशा का हो गया, ठीक है सभी करेंगे, सभी ट्राई करो, वेरी गुड। बेटा जेपी की आईडी से कौन है आप अपना चैट में नाम भी लिख देना, मुझे आपका नाम नहीं पता। ओके हाँ अब जल्दी से सब आंसर लिख दो, अब सब बच्चे जल्दी से आंसर लिख दो। सुमित रवि टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके निशा आप अनम्यूट करो एक बार। यस मैम। निशा आप बताओ क्या किया आपने पहला स्टेप?
पहले माइनस नहीं, वो प्लस 37 था तो प्लस माइनस 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 पहले मैंने 37 जो प्लस था ये और ये बीच वाला जोड़ा मैम जी। नहीं नहीं निशा, यही पे गड़बड़ हो रही है, तभी मैं सोचूं आपके बार बार। देखो निशा, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमने अभी सीखा था कि जब जो ये दो लगातार वाले चिन्ह हैं जिनके बीच में कोई भी संख्या नहीं है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। ठीक है निशा, बताओ इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? प्लस। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना? यस मैम। आपने बिल्कुल ठीक बोला। अब बताओ, अब फाइनल आंसर क्या होगा? प्लस 54। प्लस 54, वेरी गुड। बाकी सबका भी बिल्कुल ठीक था, शाबाश। अभी समझ में आ गया निशा? पहले इस ब्रैकेट को खोलो, अगर यहाँ पे मैं माइनस कर दूं तब क्या होगा निशा? तब क्या करोगे आप? क्या मैम जी? हाँ बोलो। अब मैंने क्वेश्चन बदल दिया, अब मैंने कर दिया माइनस 37 प्लस 17, बताओ क्या आना चाहिए? माइनस 20। क्या करोगे बताओ, कैसे करा? माइनस प्लस माइनस है, हाँ दोनों के चिन्ह अलग अलग है, यहाँ पैसे भी याद रख सकते हो, माइनस प्लस माइनस, तो दोनों माइनस हो जाएंगे। 37 में से 17 माइनस के, और उसके बाद क्या देखते हैं कौन सी बड़ी रकम है। हाँ कौन सी बड़ी रकम है, उसके साथ क्या थी, तो ऐसा आप गुणा में भी देखोगे कौन सी बड़ी रकम है उसके साथ जो चिन्ह लगाए वही चिन्ह लगाओगे। यस मैम। गुणा करते हुए भी देखोगे, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपने माइनस दो को माइनस तीन से गुणा करना है, क्या आंसर आना चाहिए बताओ निशा? छह आना चाहिए। बट यहाँ तो आपने निशान को माइनस, अगर आप ये कह रहे हो कि बड़ी संख्या के साथ जो निशान है वो निशान आना चाहिए, तब तो माइनस छह आना चाहिए ना? यस मैम, तब तो माइनस नहीं आना चाहिए। हाँ नहीं, हम गुणा में वो निशान नहीं देखते। गुणा में आप निशान कैसे डिसाइड करते हो? गुणा में आप इन चिन्हों से निशान डिसाइड करते हो। पहले दो और तीन को आपस में गुणा कर दिया, उसके बाद माइनस और माइनस को आपस में गुणा कर दिया, माइनस और माइनस प्लस, अब इन दोनों को साथ में लिख दो, प्लस छह। ठीक है निशा, कब देखोगे आप बड़ा बड़ा चिन्ह, कब देखोगे? जब आप जोड़ या घटाव करोगे बस। ठीक है? यस मैम। हाँ अब भूलेगे तो नहीं, सभी बच्चों को क्लियर? प्रीति आपको समझ में आ गया? ओके वेरी गुड वेरी गुड। बहुत माइनर माइनर बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हैं सब बच्चे। अब देखो एक बार सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, तो नियम अनुसार आप दोनों पूर्णांकों का अंतिम चिन्ह निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले दिए गए नियमानुसार आप क्या करेंगे, प्लस गुणा प्लस प्लस, ठीक है, माइनस गुणा प्लस या प्लस गुणा माइनस या माइनस गुणा माइनस। जब अगर आपको माइनस तीन माइनस माइनस दो दिया गया हो तो आप पहले इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, जो आपके पास ब्रैकेट वाला है उसे आप पहले हल करेंगे। अगर आपको प्लस इंटू माइनस दो दिया गया है तब आप इन दोनों को गुणा करोगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ से देख लो, दोनों के चिन्ह समान है तो प्लस होगा, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं आप ऐसे याद रख सकते हो तो माइनस होगा। ठीक है, या आप ऐसे याद कर लो, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अगर आपके पास प्लस इंटू माइनस दो आएगा क्या लिखोगे इसे? सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, पहला स्टेप ही यही है। जब आपने ये वाला स्टेप कर लिया उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। अब जल्दी से बता दो इसको सॉल्व करके क्या लिखोगे, सिर्फ पहला स्टेप बताओ, इस स्टेप के अनुसार इसको क्या लिखोगे? हाँ निशा आप ही बताओ, चलो मैम जी, माइनस और माइनस प्लस। हाँ तो आप इसे लिखोगे क्या वो बताओ मुझे। माइनस, हाँ बोलो, माइनस 37। आगे और माइनस 17। माइनस माइनस गुणा माइनस क्या होता है बताओ? प्लस। तो आप क्या लिखोगे? प्लस 17। हाँ तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया? यस मैम जी। हाँ
तो माइनस गुणा माइनस करोगे, सबसे पहले स्टेप में वो लिख दिया। अब उसके बाद हमें दो चीजें करनी है, अगर दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान है तो दोनों पूर्णांकों का योग होगा, अगर दोनों पूर्णांकों का चिन्ह और दोनों पूर्णांकों का चिन्ह समान ही आएगा। तो सबसे पहले क्या देखोगे, दोनों का चिन्ह समान तो नहीं है, अगर समान है तो जोड़ करोगे, अगर समान नहीं है तो आप क्या करोगे घटाओगे, और बड़े पूर्णांक का चिन्ह जो है वो उसके साथ लगेगा। उदाहरण के लिए माइनस आठ प्लस माइनस चार, ठीक है। पायल अनम्यूट करो अपने आप को, पायल पायल है क्लास में, चलो रवि आप बताओगे। बेटा पूनम की आईडी से कौन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, फाइनल आंसर अभी भी इसमें थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हैं, अच्छा पुराने वाले क्वेश्चन का था वो, ठीक है ठीक है। हाँ तो सबसे पहला स्टेप कि आपने इस प्लस और इस माइनस को गुणा करना है, तो माइनस आठ प्लस माइनस चार। अब आपने देखा दोनों के चिन्ह समान है, दोनों चिन्ह समान है तो आप क्या करोगे, इसलिए आप इन्हें जोड़ दोगे, ठीक है। आठ और चार बारह हो जाएगा। अब आपने चिन्ह लगाना है किसका, बड़ी बड़े पूर्णांक का। बस आप ऐसा याद रख लो कि बड़े पूर्णांक का लगाते हो, लेकिन अगर आपके पास दोनों चिन्ह समान है तो अगर माइनस के हैं दोनों तो आप माइनस लगा दो, प्लस के हैं दोनों तो प्लस लगा दो, क्योंकि वही बात है ना, दोनों माइनस के, चाहे बड़ा देखो चाहे छोटा देखो, लगना आखिर में माइनस ही है, तो माइनस बारह आ जाएगा। सभी ने बिल्कुल ठीक लिखा, ठीक है। चलो अब माइनस सैंतीस प्लस माइनस सत्रह इसको करो। वैसे हम इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सैंतीस और सत्रह वाले कर चुके हैं, बट इस बार मुझे सबका ठीक चाहिए। एक बार अभी कोई नहीं लिखेगा, अभी मैं चैट बंद कर देती हूँ, सब सॉल्व कर लो और हैंड रेज करो, जो कर लेगा हैंड रेज करेगा, और चैट खुलते ही जो है सबने एकदम से आंसर लिखना है, सभी हैंड रेज करेंगे। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, वेरी गुड, जल्दी से आंसर लिख दो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक जवाब, अब सबने बिल्कुल ठीक लिखा, माइनस बीस आएगा। अब पोल के क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो, मैं एक या दो क्वेश्चन पहले देखूंगी, अगर मुझे सबके ठीक आंसर लगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, अगर सब बच्चों के, एक तो पहला चीज के सभी के आंसर आने चाहिए, दूसरा ये कि सबके ठीक आने चाहिए, ठीक है। सबके ठीक आएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो मैं आपसे और क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। तो सबने बहुत सोच समझ के आंसर करने हैं, सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। पोल, जिन बच्चों के पास पोल का ऑप्शन नहीं है, जो बच्चे नए जुड़े हैं क्लास में सभी के पास पोल का ऑप्शन है, जिनके पास नहीं है उनका बारे में मुझे पता है, किसी के पास नहीं है तो वो भी बता दो, जल्दी से बता दो किसी के पास अगर नहीं है तो। अच्छा अब जब मैं चार्ट खोलूंगी मुझे एक चीज और बता देना, क्या कोई बच्चा ऐसा है, मतलब किसी एक डिवाइस से दो या तीन लोग आपस में जुड़े हुए हो तो आपको, अच्छा क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। माइनस आठ प्लस माइनस नब्बे, मैं पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं स्टेप रिवाइज कर देती हूँ, आगे वाले क्वेश्चन में मैं स्टेप रिवाइज नहीं करूंगी। सबसे पहले प्लस इंटू माइनस करो, जो ब्रैकेट है उसे सॉल्व करो, इसको थोड़ा सा सिंपल करो, फिर देखो दोनों के चिन्ह समान है, अगर समान है तो जोड़ो, समान नहीं है तो घटा दो, और उसके बाद डिसाइड करो जो बड़ी संख्या है उसके साथ जो चिन्ह है वही फाइनल आंसर के साथ लगा दो। वेरी गुड सुमित, निशा, आप दोनों ने आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे भी करेंगे। 58 आएगा मैम बी। ओके आप पहली बार ही आ रहे हो बेटा क्लास में, आपको पता है पोल में कैसे आंसर करते हैं, जिसने भी अनम्यूट, जेपी की आईडी से कौन है, नाम बताओ बेटा अपना। आप बस मुझे ये बता दो आपको पता है ना पोल में कैसे आंसर करते हैं, पता है? यस और नो?
ओके क्लास में काफी बच्चे हैं बट मुझे आंसर बहुत कम के मिल रहे हैं। बेटा ऐसा नहीं चलेगा, क्लास में जितने बच्चे हैं उतने बच्चों के आंसर्स आने चाहिए। किसी को समझ में नहीं आया है तो पूछो। चलो लास्ट के 5 सेकेंड और, सबने कर लिया? 5 4 3 2 1। चलो अब उसके बाद अब पोल सेक्शन बंद हो जाएगा, वहां पर कोई भी बच्चा आंसर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जब आपको टाइम दिया जाता है तो सबने सॉल्व करने हैं। वेरी गुड, सभी ने वैसे तो ठीक किया था बट शायद किसी एक बच्चे का गलत हुआ था, कोई बात नहीं। -68 प्लस -90, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं सब। सबसे पहला स्टेप होगा आप इस प्लस और माइनस को गुणा करोगे, माइनस आएगा और यहाँ पर 90। अब दोनों के चिन्ह समान है तो हम क्या करेंगे, इन्हें जोड़ेंगे क्योंकि दोनों के चिन्ह समान है। 68 और 90 को आपस में जोड़ दो, 9 6 15, 158 आ जाएगा। अब 90 बड़ा है तो 90 के साथ माइनस है तो फाइनल आंसर भी माइनस का आना चाहिए। किसी ने -22 किया था? किसने किया था -22? मैम जी मैंने ना ये देखा तो ऐसा नहीं था कि भाई सेकंड नंबर पर -158 है, तो मैंने डी नंबर चुन लिया था। क्यों मैम जी? मैंने ये नहीं देखा, मैंने ओनली रकम देखी थी और आंसर करने चली गई, मैंने ये देखे नहीं है बी सी डी कौन। ओ हाँ, इसलिए बहुत ध्यान से करने, ठीक है निशा? चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चैट बॉक्स में फिर से बंद कर रही हूँ और इस बार कोई भी बच्चा अपना माइक ऑन करके आंसर नहीं करेगा। तो आपको -217 प्लस 100 करना है। वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, अब तक एक भी बच्चे का गलत नहीं हुआ है, शाबाश। इसका मतलब समझ में आया है सबको, बट ये बहुत गलत बात है। सिर्फ कुछ एक गिने चुने बच्चे हैं जैसे निशा, सुमित, पायल और हाँ निशा, सुमित, पायल, रवि, ये लोग ही आंसर करते हैं। दीपिका का मुझे पता है, दीपिका के पास पोल का ऑप्शन नहीं है, बट बाकी बच्चे, मुस्कान आपने किया? यस मैम। पूनम की आईडी से कौन है? पूनम की आईडी से दयावती, ज्योति, दयावती। अच्छा आपको पता है पोल में कैसे आंसर करते हैं बेटा? यस मैम। ठीक है, किया आपने, सॉल्व किया ये? यस मैम। ठीक है, पोल में आंसर कर देना है और नीचे वोट पे क्लिक करना जरूर, याद रखो। ठीक है, वोट पर क्लिक नहीं करोगे तो मेरे पास आपका आंसर ही नहीं आएगा। प्रीति आपको समझ में आ रहा है, आप क्वेश्चन कर पा रहे हो? प्रीति अच्छा नहीं है क्लास में, वेरी गुड, सभी का ठीक था। तो -217 प्लस 100, दोनों के चिन्ह अलग हैं, क्योंकि चिन्ह दोनों के अलग हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे, घटाव करेंगे। शाबाश, 217 में से 100 गए, बचे हमारे पास 117, 217 माइनस का है तो 117 के साथ भी माइनस लग जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, सभी ने बिल्कुल ठीक किया था। और अगर मैं कर दूं, और अगर मैं कर दूं -217 ठीक है प्लस -100, इसका आंसर क्या आएगा? -217 प्लस -100। -317, शाबाश, क्योंकि हम पहले ब्रैकेट खोलेंगे -217 प्लस -100 और इनको जोड़ेंगे क्योंकि दोनों के चिन्ह समान है और चिन्ह माइनस का लग जाएगा। तो अब मुझे लग रहा है कि हाँ सभी बच्चों को
समझ में आ गया है। एक लास्ट क्वेश्चन कर ले। यस मैम। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आसान सा है ये तो बहुत, सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे बट एकदम करेक्ट आंसर करेंगे। आपको 100 प्लस माइनस 110 प्लस माइनस 100 करना है, ठीक है, ध्यान से करना है बहुत, और सभी बच्चों ने आंसर करना है। मैंने कहा था सब सोच समझ के आंसर करेंगे। चार बच्चों ने आंसर कर दिया है, ओके ठीक है। एक मिनट आप ऐसे ही रखना, जिसने कैमरा ऑन किया है मैं देख लूं। मुझे पूरा आंसर नहीं नजर आ रहा है बेटा, थोड़ा सा कैमरा ओपन करो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कभी अनम्यूट करके बताना मुझे आपने कैसे किया क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब, हाँ अब आप बताओ बेटा क्या नाम है आपका, जिसने भी कैमरा ऑन करके दिखाया था। आप बताओ आपने कैसे किया, मुझे समझ में नहीं आया थोड़ा सा, आपने जैसे लिखा हुआ था राइटिंग वाइज में, राइटिंग आपकी काफी अच्छी थी। देखो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, आपने कुछ ऐसे लिखा था प्लस प्लस और माइनस, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या देखना है, इस प्लस को इस माइनस से गुणा करो बेटा, क्या आएगा आप ही बताओ अनम्यूट करके, जिसने नोटबुक दिखाई थी। या आप चैट में भी लिख सकते हो, अच्छी बात है, नोटबुक आप ऐसे बैक कैमरा करके दिखा सकते हो, तो कहीं पे भी आपकी गड़बड़ हो मुझे पता चल जाएगा, मैं वो स्टेप समझाऊंगी सही से करके। ठीक है कोई बात नहीं। हाँ एक मिनट, वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड, हाँ आपने ठीक किया। सो हम प्लस और माइनस को पहले गुणा करेंगे, सो 110 प्लस माइनस माइनस 100। सिंपल सा क्वेश्चन, 110 में से 110 में से 100 गए कितने बचे, 10 मैम। वेरी गुड वेरी गुड, तो काफी बच्चों ने इसमें मिस्टेक कर दी थी बट चलो कोई बात नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ बेटा। समझ में आया मैम, समझ में आया मैम, तरह से गुणाके का जोड़ घटाव करेंगे। यस मैम। तो एक काम करेंगे सब बच्चे, जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा वो सभी बच्चे बहुत ध्यान से करेंगे और करके ग्रुप में भेजेंगे उन्हें, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं से खत्म करते हैं।